हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस। तो बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये वाली कन्फ्यूज़न रहती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अपने कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा आदमी, मतलब मैन। अब यहाँ पर देखिए, इसके पास एक एप्पल है। इसने क्या किया, ये एप्पल बाय किया कहीं से, मान लीजिए इसका नाम था एक्स और इसने वाई से बाय किया एक एप्पल। अब देखिए, वाई ने इसको सेल किया कितने में, 100 रुपीज़ के अंदर, और इसने इसको कितने में ख़रीदा, 100 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, वाई ने इसको सेल किया तो 100 रुपीज़ जो वाई के लिए क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब अगर हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य, मतलब उसने कितने में बेचा। वही अगर अपने बात करें एक्स के लिए, मतलब इस आदमी का नाम क्या है, एक्स, तो इसके लिए हो गया ये सीपी, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए, वाई ने इसको बेचा 100 रुपये में, तो इसके लिए तो ये वाई के लिए तो हो गया सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य है, और वही अगर अपने बात करें एक्स के लिए तो ये इसका हो गया क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ये आदमी गया नेक्स्ट अपनी, इसने शॉप पे रखा। शॉप पे रखने के बाद इसके पास देखिए कि ये वुमेन आई, लड़की आई, तो इसने क्या किया, इस लड़की ने इसको इससे ख़रीद लिया। मान लीजिए हमने इसको माना था इसका नाम एक्स था और इस लड़की का नाम मैंने मान लिया जेड। अब देखिए, इस लड़की ने इसको ख़रीदा 120 रुपीज़ का। अब देखिए, लड़की ने 120 रुपीज़ का ख़रीदा और एक्स ने इसको बेच दिया 120 पे, मतलब 120 जो है वो इस एक्स के लिए तो हो गया सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। वहीं अगर अपने बात करें इस लड़की के लिए, तो 120 क्या है, इसके लिए कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में हमने कोई भी चीज़ खरीदी तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस। तो अब देखिए, अगर अपने बात करें एक्स की, तो एक्स के लिए देखिए जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस मैं बता चुका हूँ कितने में ख़रीदा, इसने ख़रीदा था 100 रुपीज़ का, मतलब एक्स ने जो वाई से कितने का ख़रीदा था, 100 रुपीज़ का। ये 100 रुपीज़ इसकी एक्स की क्या थी, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या था, 120। तो अब देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है ये इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, मतलब क्या करेंगे। देखिए प्रॉफिट की टर्म से अगर अपने बात करें क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन ऑलवेज वी प्रॉफिट, मतलब अगर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको हमेशा उस केस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर अपने इस केस की बात करें तो देखिए इसका जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, कॉस्ट प्राइस तो 100 था, लेकिन जो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120। अब देखिए 120 जो 100 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वहीं देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, इसने क्या किया, इस लड़की ने इसको ख़रीदा 80 रुपीज़ में। अगर मान लीजिए 80 रुपीज़ में ये ख़रीदती तो इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती, 80 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस अगर 80 रुपीज़ हो गई और इसके लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्या हो गया, 80। अब यहाँ पर देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है क्या है, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है 100 एक्स के लिए, फॉर एक्स कॉस्ट प्राइस तो 100 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80। अब इस केस के अंदर देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो गया। अब देखिए, किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपने उसको ज़्यादा पैसे दिए लेकिन उसको बेसस्ते में दिया, तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लॉस। अब लॉस हो गया, अब लॉस की कंडीशन के अंदर कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस। अब वहीं अगर हमें फाइंड करनी हो इसकी परसेंटेज, आपको ये एक चीज़ हमेशा हमें दिमाग में रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। अब देखिए मुझे फाइंड करनी है
प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर प्रॉफिट इज, प्रॉफिट बता चुका हूं ना मैं आपको क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको फाइंड करना हो इसके अंदर लॉस परसेंटेज, अब देखिए लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको एक टर्म बताई, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं आपका लॉस परसेंटेज। तो जल्दी जल्दी देखते हैं आपने क्या किया। सबसे पहले देखिए क्या था, x था, x का मैंने कॉस्ट प्राइस 100 माना और जो सेलिंग प्राइस था 120। अब यहाँ पर देखिए जो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और सिंपली वही अगर इसने इसको सेल कर दिया 80 रुपीज़ का, तो यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, सो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस। और वहीं अगर अपने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करनी हो तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिए अगर लॉस परसेंटेज भी फाइंड करना है तो लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपने बात करेंगे मार्क प्राइस, मार्कअप, डिस्काउंट, इन सब टर्म्स के बारे में, कि ये जो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेटेड होता है, तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कोई भी टॉपिक क्लियर होने से पहले आपको उसकी बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, इससे अगर अपनी बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।